गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अक्षय शर्मा, वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सिक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड, पार्ट थर्ड। आए तो स्टार्ट करते हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। वो हड़प्पन सिटी में रॉ मटेरियल कैसे आता था, कहाँ से आता था, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली। रॉ मटेरियल कैसे मिलता है? नेचुरली, जैसे वुड नेचुरली मिल जाती है, मेटल्स, ठीक है, और प्रोड्यूस बाय फार्मर और हर्डर, या फिर कोई फार्मर हर्डर से प्रोड्यूस करता है, बनाता है एक तरह से, ठीक है। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिशिंग गुड्स। उस रॉ मटेरियल का फिर क्या होता है? कोई भी गुड्स, मतलब सामान बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कॉटन। कॉटन एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय फार्मर। कौन प्रोड्यूस करता है उसे? फार्मर। इज ए रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ। किस काम आता है ये? क्लोथ बनाने के काम आता है, कपड़ा बनाने के काम आता है रॉ मटेरियल, ठीक है। प्रोड्यूस किसने किया? फार्मर ने, उसे लेके आ गया कोई, फिर उसका क्लोथ बनाते हैं। व्हाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पन्स यूज वर अवेलेबल लोकली। ये कह रहे हैं बहुत सारा रॉ मटेरियल हड़प्पन सिटी में लोकली, मतलब आसपास से अवेलेबल हो जाता था। मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, बट जो कॉपर थी, टीन थी, गोल्ड, सिल्वर, प्रीसियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉड फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। ये चीज़ें कहाँ से आती थी हड़प्पन सिटी में? डिस्टेंस प्लेस, मतलब दूर से लाना पड़ता था इन चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें लोकली अवेलेबल हो जाती थी, बट जैसे कॉपर, टीन, ये मेटल्स जो हैं ये उन्हें, और स्टोन जो हैं ये उन्हें डिस्टेंस प्लेसेस से लानी पड़ती थी, दूर से लानी पड़ती थी। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था ना कि रूलर्स जो हैं पीपल्स को डिस्टेंस प्लेसेस पे भेजते थे, किस लिए? मेटल्स लाने के लिए, स्टोन लाने के लिए। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। हड़प्पन सिटी में जो कॉपर आता था वो कहाँ से आता था? प्रेजेंट डे राजस्थान से, जो इस समय राजस्थान है, एंड वेस्ट एशिया के ओमान से। ये अंडरलाइन कर लेना, कॉपर राजस्थान से और ओमान से आता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टीन वाज मिक्स्ड विद कॉपर टू ब्रॉन्ज। ये कह रहा है जो ब्रॉन्ज बनाया जाता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? कॉपर को और टीन को मिक्स करके बनाया जाता है ब्रॉन्ज। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। तो टीन कहाँ से आती थी? प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान, जो आज के टाइम में ईरान और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट देखिए, गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटक। गोल्ड कहाँ से आता था? कर्नाटका से। एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और प्रीसियस स्टोन गुजरात से, ईरान से एंड अफगानिस्तान से। इन सबको अंडरलाइन कर लेना कि कौन सा, मतलब मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड होता था हमें, प्लेस का नेम और मेटल्स का नेम, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। फूड फ्रॉम पीपल इन द सिटी। सिटी में जो हड़प्पन सिटी थी उनके लोगों को फूड कैसे प्रोवाइड होता था, कैसे मिलता था उन्हें, कहाँ से मिलता था, कौन प्रोवाइड कराता था उन्हें, उसके बारे में आइए देखते हैं। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटी। ये कह रहा है सिटी के अलावा भी लोग रहते थे आसपास कहीं भी विलेज में। अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रो क्रॉप्स। वो क्या करते थे? ग्रो क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। एनिमल्स पालते थे और क्रॉप्स, ग्रो क्रॉप्स, खेती करते थे। दीज फार्मर एंड हर्डर सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटी। अब ये जो फार्मर और हर्डर्स थे, ये फूड को सप्लाई करते थे किसे? क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को एंड रूलर्स को इन द सिटी, सिटी में रहने वाले लोगों को, ठीक है। वी नो फ्रॉम रिमेन ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन ग्रो वीट। हड़प्पन सिटी में भी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए जाते थे, जैसे वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लेंसर्ड एंड मस्टर्ड, ठीक है। इनका एक बार मीनिंग बता देता हूँ। वीट का तो पता है, बार्ले का, पल्सेस कहते हैं दालों को, पीज का भी पता होगा, राइस का, एंड सीसम कहते हैं तिल को कहते हैं ना, लेंसर्ड एंड मस्टर्ड कहते हैं सरसों को, जिसका ऑयल बनता है ना उसे कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ए न्यू टूल द प्लो। एक नया टूल मिला है आर्कोलॉजिस्ट को, कौन सा? प्लो। ये नीचे पिक्चर्स भी दे रखी है उसकी, एक बार देख लीजिए ना। वाज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। किस लिए यूज़ होता है ये? एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, प्लांटिंग करने के लिए या टर्निंग द सॉइल। मिट्टी को आप देखते हैं ना, प्लो से क्या होता है, ये स्पेस बनाता हुआ चला जाता है खेत में, है ना, उसके अंदर फिर प्लांटिंग कर देते हैं हम लोग। वाइल रियल प्लो विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड। जो रियल प्लो होता है वो किसका बना होता है? वुड का। हैव नॉट सर्वाइव। वो आज के टाइम, अब मतलब
उस टाइम के बचे हुए नहीं हैं। टॉयज मॉडल हैव बीन फाउंड, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट को ये टॉय मतलब एक खिलौने का मॉडल मिला है प्लो का, ठीक है। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, जिस रीजन में रेनफॉल नहीं होता था, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज, वहाँ पर इरीगेशन के लिए क्या यूज़ करते थे हम लोग, बहुत सारे तरीके थे, देखो आगे देखेंगे। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर, वो लोग क्या करते थे, वाटर को स्टोर कर लेते थे किसी भी जगह, वेल में या फिर एक तरह से तालाब में कहीं भी स्टोर करके रखते थे वाटर को, एंड सप्लाई टू द फील्ड व्हेन द प्लांट वर ग्रोइंग, और फिर उसे बाद में जहाँ पे प्लांट ग्रो किए हैं वहाँ पे सप्लाई कर देते थे, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर को किसकी नीड होती है सबसे ज़्यादा, वाटर की, तो वो लोग वाटर कहाँ से लाते थे, स्टोर करके रखते थे अपने पास। द हरप्पन्स रियर्ड कैटल, हरप्पन सिटी में रियर्ड होते थे क्या, कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो, ये चीज़ें पाली जाती थी, और वहाँ के लोग जो हैं, वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, और वहाँ जो है आसपास वाटर एंड पेस्चर अवेलेबल हो जाता था, मतलब वहाँ के जो आसपास लोग क्या करते थे, वाटर मतलब कोई भी वेल हो या तालाब हो वो मिल जाता था उन्हें, प्रोवाइड हो जाता था, या फिर पेस्चर मतलब एक तरह से जहाँ पे एनिमल्स जो हैं घास वगैरह खाने जाते हैं, चरने जाते हैं, वो स्पेस उन्हें मिल जाता था। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ, जब समर मंथ होता है, सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है सीजन, लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, उस टाइम एनिमल्स को ग्रास और वाटर के लिए डिस्टेंसेस प्लेसेस मतलब बहुत दूर जाना पड़ता था पानी पिलाने के लिए, उन्हें ग्रास के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता था। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट, लाइक उस टाइम लोग फ्रूट भी कलेक्ट करते थे, लाइक जैसे ये स्पेस मिला हुआ है बेर, ठीक है, बेर वही फ्रूट होता है जो, कॉट फिश, फिश पकड़ते थे, एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलॉप, और हंटिंग भी करते थे वो लोग, एंटीलॉप कहते हैं डियर को, कहते हैं हिरन को, है ना, बारहसिंगा जो होता है। आइए नीचे देख लेते हैं, एक क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात, गुजरात में एक हड़प्पन टाउन से कौन सा, धोलावीरा, उसके बारे में बात करेंगे। अब गुजरात में कैसे आए ये हड़प्पन सिटी, पहले हमने देखा था मैप में, आइए एक बार दिखा देता हूँ, मैंने आपको पहले एक बार मैप में दिखाया था हड़प्पन सिटी, वो कहाँ थी हड़प्पन सिटी, वो थी इंडिया से बाहर, देखिए ये रही हड़प्पन सिटी है ना, ये इंडिया के आउट स्पेस में, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि गुजरात, एक क्लोजर लुक हड़प्पन सिटी इन गुजरात, गुजरात में हड़प्पन सिटी, ये गुजरात में हड़प्पन सिटी कहाँ से आई, उस टाइम जो हड़प्पा में मिले प्लेसेज मतलब एक तरह से बिल्डिंग्स जो मिली हैं उसी तरह की बिल्डिंग्स गुजरात में भी मिली हैं, तो उस टाइम आर्कोलॉजिस्ट ने क्या मतलब एक तरह से अनुमान लगाया कि जो हड़प्पन सिटी की बिल्डिंग्स हैं और गुजरात की जो बिल्डिंग है वो एक सी थी, एक जैसी थी, तो उन्होंने दोनों को हड़प्पन सिटी का नाम नेम दे दिया था, जहाँ पर भी उसके जैसी बिल्डिंग्स मिली और एक तरह से सिटीज़ मिली तो वो सब क्या हो गई उस टाइम की हड़प्पन सिटीज़ हो गई, ठीक है। तो गुजरात की हड़प्पन सिटी के बारे में बात करें, द सिटी ऑफ धोलावीरा, एक प्लेस का नेम है धोलावीरा, सिटी का नेम, वाज लोकेटेड ऑन खदर ब्यात इन द रन ऑफ कच्छ, कहाँ है ये, रन ऑफ कच्छ के खदर ब्यात के पास में एक धोलावीरा सिटी है, वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल लैंड, वहाँ क्या प्रोवाइड होता है, फ्रेश वाटर था मतलब पीने वाला पानी, एंड फर्टाइल सॉइल, और वहाँ की मिट्टी कैसी थी, उपजाऊ थी, अच्छी थी एग्रीकल्चर के लिए। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, आपने पिछले अभी पैराग्राफ में पढ़ा था कि ये सिटी कैसे डिवाइड रहती थी टू या मोर पार्ट्स में, लेकिन ये कह रहा है धोलावीरा वाज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, धोलावीरा के जो सिटी थी वो कैसे पार्ट्स में डिवाइड थी, थ्री पार्ट्स में डिवाइड थी। अभी आपने जो पहले पैराग्राफ में पढ़ा था उसमें क्या है, एक नॉर्थ का एरिया होता था और एक आपके वेस्ट का एरिया होता था, है ना, ये पढ़ा था ना, स्मॉल और लार्ज, हाई और डाउन, इस तरह के। लेकिन जो धोलावीरा सिटी थी वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड थी, एंड ईच पार्ट्स वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और उसके सभी पार्ट्स के चारों ओर एक मैसिव स्टोन वॉल, बहुत बड़ी स्टोन की वॉल्स बनी होती थी, ठीक है, विथ एंट्रेंस थ्रू गेटवे, और उसमें एंटर करने के लिए उन्हें गेट बना रखे थे एंट्रेंस के लिए, ठीक है, बड़े बड़े मतलब गेट बना रखे थे उन्होंने। देर वाज आल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट्स, वो क्योंकि बहुत बड़े एरिया में सेटल्स थी, है ना, धोलावीरा जो सिटी थी वो बहुत बड़े
एरिया में सेटल थी, वेयर पब्लिक सेरेमनी कुड बी हेल्ड। वहाँ पे लोग एक तरह से कोई भी प्रोग्राम भी कर लिया करते थे, जैसे होता ना मैरिज होती है, सेरेमनी प्रोग्राम जो भी होते थे वो लोग उसके सिटी के अंदर ही करते थे प्रोग्राम। अदर फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। वो कह रहा बहुत सारे हमें आर्कोलॉजिस्ट को हड़प्पन सिटी के स्क्रिप्ट मिले हैं, लिखे हुए मिले हैं वाइट स्टोन के ऊपर एंड पर इनलेड इन वुड, और वो फ्रेमिंग में है किसकी, वुड की। हड़प्पन सिटी के बारे में लिखा होगा उन्होंने उस टाइम, रूलर्स जो हैं लिख देते थे ना इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट जो आता था पहले, तो ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली हैं वाइट स्टोन के ऊपर जो इनलेड इन वुड, मतलब वुड के फ्रेम में है। दिस इज़ ए यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अभी हमने लिखा कि स्क्रिप्ट मिलती थी वाइट स्टोन पे, है ना, ये लिखा ऊपर लिखा हुआ है ना, ये क्या, और इस लाइन में कहा है उन्होंने दिस इज़ यूनिक फाइंड, ये एक यूनिक फाइंड है कि मतलब वो वाइट स्टोन पे बड़े पे मिली है, लेकिन वो कह रहा है कि हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। ज़्यादातर पहले किस पे लिखी जाती थी, सील पे वो लोग लिख देते थे, लेकिन धौलावीरा प्लेस में जो मिला है वो वाइट स्टोन पे लिखा हुआ मिला है ना, तो ये एक यूनिक चीज़ थी, एक यूनिक फाइंड थी। चलिए आज के लिए चलिए आगे और देख लेते हैं। द सिटी ऑफ लोथल, एक सिटी मिली है लोथल, स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात क्लोज द गल्फ ऑफ खंबत। कहाँ मिली है ये, खंबत खाड़ी के साबरमती की ट्रिब्यूटरी के पास में एक सिटी है लोथल, ठीक है, आइए आगे देखिए। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसेस स्टोन्स वर ईजली अवेलेबल। ये जो लोथल प्लेस था यहाँ पे प्रीसेस स्टोन ईजली अवेलेबल हो जाता था, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तरह से सेंटर था ये स्टोन का। दिस वॉज इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था स्टोन का, जहाँ से मतलब स्टोन सप्लाई होता होगा, शेल सप्लाई होता होगा एंड मेटल्स को सप्लाई किया जाता था। लोथल में क्या मिलता था हम लोगों को, स्टोन मिल जाती थी, शेल एंड मेटल जो है ईजली प्रोवाइड हो जाता था, ये इम्पोर्टेंट सेंटर था इस चीज़ का। देर वॉज आल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, और ये जो है सिटी का स्टोर हाउस भी था। मैनी सील्स एंड सीलिंग वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस, जितनी भी सील और सीलिंग थी वो यहाँ पे मतलब मिल जाया करती थी ईजली, ये स्टोर हाउस था उनका, यहाँ पे बनती थी वो। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ओके।